हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब लेसन थर्ड पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। इससे पहले मैंने आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट था एवेलिन लेन लिसन द साउंड विदाउट हियरिंग इट, और ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। तो इस पार्ट के अंदर हम शहनाई बिस्मिल्ला खान की जो शहनाई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और हिस्ट्री क्या थी, जो शहनाई की हिस्ट्री थी वो क्या थी। तो चलिए पहले हम हिस्ट्री जानते हैं शहनाई की, जिससे लेसन आपका बिगिन हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, जहाँ से वो ये है। एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था। पुंगी कुछ इस तरह की होती थी, पुंगी को उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि पुंगी की जो आवाज़ थी वो बहुत ही श्रील साउंड थी, उसकी जो अर्क आवाज़ थी वो कर्कश थी, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था। लेकिन उनके ही राजकाल में एक बार्बर था जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। उनकी जो फैमिली थी उस बार्बर की, वो पूरी तरह से म्यूजिक को डिवोटेड थी। तो उसने डिसाइड किया कि इस पुंगी को कुछ इम्प्रूव किया जाए, उसकी ट्यूनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो वो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा पाइप लेते हैं जो कि पुंगी की तुलना में ज़्यादा चौड़ा होता है। फिर वो उसके अंदर 7 होल करते हैं, 7 होल कर देते हैं उसके बाद, और उसके उसको जब बजाते हैं वो एक उंगली एक छेद के ऊपर, एक होल के ऊपर वन उंगली रखे, फिर उस उंगली को हटाकर जिस तरह से बजाया जाता है, जब उसको बजाते हैं तो उसमें से बहुत सॉफ्ट मेलोडियस साउंड निकलता था जो कि पुंगी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब वो बार्बर था, उस वो राज जो पैलेस था उसके अंदर जाते रहते थे, उनका उनसे बहुत ज़्यादा रिलेशन था। तो वो उस जा करके उस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने रॉयल्टीज़ के सामने बजाया, प्ले किया। एवरीवन जो वहाँ पर जितने भी लोग थे, एवरीवन वाज इम्प्रेस फॉर दिस मेलोडियस वाइज, जो उसकी आवाज़ निकल रही थी उस यंत्र की, उस इंस्ट्रूमेंट से, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। अब बात ये हुई कि आखिर ये जो नया इंस्ट्रूमेंट आया, जाहिर सी बात है जब नया बनाया गया उसका नया नाम रखना चाहिए। तो नाम रखा गया क्योंकि ये शाह के सामने, शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, और इसको बजाया किसने था, एक नाई ने बजाया था, एक बार्बर ने बजाया था। तो इसका जो नया नाम रखा गया पुंगी का, वो रखा गया शहनाई, यानी शाह के सामने बजाया गया इसलिए शाह लिख लिया गया उसका, और नाई ने बनाया इसके लिया गया शहनाई। शहनाई अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा फेमस होती जाएगी, बहुत ही ऑस्पिशियस हो गई, इतनी ज़्यादा कि उसको टेंपल्स में बजाया जाने लगा, और जब शादी ब्याह होती थी या किसी तरह का भी प्ले होता था उसको प्ले किया जाने लगा। और शहनाई को क्लासिकल रूप जो दिया वो दिया उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने। उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो थे वो शहनाई को इस क्लासिकल स्टेज तक ले गए, जिस जगह पर आज शहनाई है। तो अब जो नेक्स्ट आपका लेसन में पैराग्राफ है उसमें आपको ये बताया गया कि बिस्मिल्ला खान के जीवन से जुड़ी बातें। अभी तक आपने शहनाई की हिस्ट्री देखी थी, अब आगे बिस्मिल्ला खान की थी। तो बिस्मिल्ला खान का जो जन्म हुआ था वो 21 मार्च 1916 को डुमराव बिहार में हुआ था, और इनके जो ग्रैंडफादर थे, जो दादा थे, रसूल बख्श नाम था इनका, ये शहनाई नवाज के नाम से प्रसिद्ध थे, और ये भोजपुरी किंग बिहार के अंदर वहाँ के राजदरबार में शहनाई बजाया करते थे। यानी इनके जितने भी, और इनके पापा, इनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, इनके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, यानी जो इनके पिता की तरफ से जो दधियाल वाले लोग थे, वो सब के सब ग्रेट प्लेयर्स थे शहनाई के। तो उनका अपना जो बिस्मिल्ला खान का जो इंटरेस्ट था वो जाहिर सी बात है बचपन से ही शहनाई के अंदर था। फिर 3 साल की उम्र में इनकी जो माँ थी वो बनारस इनको लेकर के आई, वहाँ पर इनके मामा थे अली बख्श, जिनको देख करके ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए। अली बख्श क्या करते थे, वो विष्णु मंदिर के अंदर बैठ करके बजाया करते थे, शहनाई बजाया करते थे। तो उस शहनाई को जिस टाइम वो बजा रहे होते थे, बिस्मिल्ला खान उनकी तरफ से देखते रहते थे बैठ करके, और देखते देखते 5 साल की उम्र में उन्होंने भी, बिस्मिल्ला खान ने भी शहनाइयों को बजाना स्टार्ट कर दिया, और इतना अच्छा बजाया 5 साल की उम्र में। वो चैता नाम था एक जो गीत को बजाया करते थे वो शहनाई के अंदर। तो जब वो इतना अच्छा बजाया कि उसके जो रिवार्ड था उस विष्णु मंदिर का, तो उस रिवार्ड में एक लड्डू दिया जाता था जिसका वेट जो होता था वो लगभग 1.5 किलो के करीब होता था, और वो जो वहाँ के लोकल महाराज थे वो लोग दिया करते थे। तो उनकी शहनाई से प्रसन्न होकर 5 साल की उम्र से उनको रिवार्ड किया जाने लगा था। फिर 14 साल की उम्र में अलाहाबाद जब ये आए म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक, तो इनके मामा, जहाँ पर इन्होंने अपने मामा जी के साथ में परफॉर्म किया,
14 साल की उम्र में। तो इनको वहाँ पर एक उस्ताद थे, उस्ताद फयाज़ ख़ान, उन्होंने देखा इनको बजाते हुए शहनाई और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया इनको। फिर 1938 में इनको ऑल इंडिया रेडियो में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। अब ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर इनकी जो अचीवमेंट्स थी वो दिखाई गई कि इन्होंने परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पर दी थी। तो 1938 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर परफॉर्मेंस दी। फिर 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 में शहनाई को बजाया सबके सामने, जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने भी ग्रेट लीडर थे उन सब के सामने 15 अगस्त 1947 को उन्होंने शहनाई बजाई। और फिर इसके बाद आगे लेसन में जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ था उसके अंदर इनकी ट्रिप थी। फर्स्ट ट्रिप इन्होंने अफगानिस्तान का किया और वहाँ पर जो वहाँ का राजा था वो बहुत ज़्यादा इनके काम से फैसिनेट होता है। इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया। विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई और ये ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसमें बिस्मिल्ला खान के कमीशन का एक गाना था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। ये इन्होंने फिल्म की। फिर उन्हें एक कन्नड़ फिल्म, इन्होंने कन्नड़ में भी एक कन्नड़ वेंचर था जिसमें इन्होंने संधाई अपन्ना नाम से परफॉर्मेंस की, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया क्योंकि उनको पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने उसके आगे फिर काम नहीं किया इन्हीं दो फिल्मों तक। वो पैराग्राफ में जो इनकी परफॉर्मेंस थी इन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी इसके बारे में बताया गया। इन्होंने परफॉर्मेंस दी लिंकन सेंट्रल हॉल में जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वर्ल्ड एक्सपोजिशन में दी, कंसास आर्ट फेस्टिवल में दी, ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर इन्होंने दी। अब जब इतनी जगह इन्होंने परफॉर्मेंस दी तो अभी तक ये नेशनल थे, भारत के अंदर गाते थे, लेकिन इसके बाद इनकी जो फेमस था, उनका जो फेम था, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो इंटरनेशनली हो गए। इतना ज़्यादा ये फेमस हो गए कि इनको इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम तेहरान में बनाया गया। इन किसके नाम पर? उस्ताद बिस्मिल्ला खान पे, और ताहर मास्क उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नाम से पूरी मस्जिद का और नाम रख दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टर्न था इस लेसन के अंदर वो था कि इनको अवार्ड्स कितने मिले। तो इनको भारत के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो अवार्ड है वो मिले। इनको पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला और द पद्म विभूषण भी मिला। पद्म भूषण और पद्म विभूषण अलग अलग है, दोनों तीनों अवार्ड उसको मिले। और 2001 में जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न वो दिया गया। और जब उन्होंने उस अवार्ड को लिया उस समय उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि भारत की फैमिली का हर बच्चा, वो जितने भी बच्चे हैं, हर फैमिली जो है वो अपने बच्चों को इस म्यूज़िक के लिए, शहनाई के लिए प्रमोट करे। क्यों? क्योंकि इस विशाल हेरिटेज को सीखने के लिए विदेशों से उनके पास लोग आते थे। जब नेक्स्ट आपका जो है ये नेक्स्ट पैराग्राफ में दो चीज़ दिखाई जिसके बहुत ज़्यादा शौकीन थे, एक बनारस के, एक डुमराव के। बनारस में गंगा जो बहती है उसके बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे उनको। इनको इवन बहुत ज़्यादा पसंद था कि उनका कहना कि जब मैं मुंबई में होता था, मुंबई में परफॉर्म कराता था, मुझे बनारस याद आ रहा होता था, मुझे डुमराव याद आ रहा होता था, मुझे वहाँ का मट्ठा याद हो रहा था आता। लास्ट में एक इंसिडेंट का इस लेसन में जिक्र किया है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान के जो स्टूडेंट्स थे, एक US में स्टूडेंट था जिसने जो चाहता था कि वो वहाँ की जो म्यूज़िक अथॉरिटी उसके हेड बने, तो उसने ये भी कहा कि बिस्मिल्ला खान वहाँ के हेड बन जाए उसके लिए तैयार था कि वो बनारस के मंदिर ला करके उसका जो एटमॉस्फेयर था पूरा, जो चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है बनारस की तरह का, मैं वो भी ला करके उसी तरह का बनाऊँगा, मैं पूरा दूंगा कि जिस तरह का वहाँ का विष्णु मंदिर में वैसा बना दूंगा, लेकिन वो वहाँ के हेड बन जाए। तो बिस्मिल्ला खान ने पूछा था उस लड़के से कि आप वो सब तो बना लोगे लेकिन क्या वो बहती हुई गंगा यहाँ पर ला कर रख पाओगे, क्या वो बहती हुई गंगा यहाँ पर दिखा पाओगे। तो ये इतना प्रेम करते थे गंगा से और बनारस से कि उनका कहना था मैं कहीं भी होता था, मैं किसी भी देश में होता था, मुझे यही सब, मुझे अपना देश याद आता था। अब लास्ट में जो लेस पैराग्राफ था इसमें ये दिखाया गया कि ही वॉज अ डिवोटेड मुस्लिम, कि बहुत ही अच्छे डिवोटेड मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर शहनाई बजाया करते थे। फिर 21 अगस्त 2006 को 90 ईयर की एज में बिस्मिल्ला खान ये दुनिया छोड़कर चले गए और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके मरने पर नेशनल मॉर्निंग, वन डे का नेशनल मॉर्निंग यानी छुट्टी दी थी, ये डिक्लेयर किया था। तो ये आपका लेसन था उस्ताद बिस्मिल्ला खान शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। तो लेसन थ्री था उसका पार्ट से।